Hi all, welcome in AAD Institute. And guys, today we are going to learn how to make a perfect dart, type of dart. And you can use this dart, make a different kind of beautiful outfit. But first, just you can learn this dart. So today we are going to discuss about dart and 10 type of dart we can, going to learn how to make, how to take measurement and different kind of dart. So, दोस्तों कितना अच्छा हो कि अगर हम घर पर ही रहकर डिज़ाइनिंग सीखें और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और डिज़ाइनिंग की तमाम डिटेल सीखें, जिसमें डिज़ाइन, स्केचिंग, ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग, कंप्यूटर, एडोब, ये तमाम जो सेलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, स्टडीज़ हैं, वो आप बहुत आसानी से घर पर ही रहकर अपनी फैशन डिज़ाइनिंग करियर की स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे फ्यूचर में एज ए डिज़ाइनर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बिना देर के ये हुए, आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। मैं हूँ आपकी दोस्त मेंटर, फैशन डिज़ाइनर, ट्राइबल आर्टिस्ट, डायरेक्टर ऑफ AAD इंस्टीट्यूट, सारा मिराज खान। सो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत के साथ ही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि हम स्क्रीन पर आज सीखेंगे 10 टाइप ऑफ डार्ट्स, राइट? जनरली मैंने शॉर्ट वीडियो में कई बार बताया है कि सेंटर फ्रंट डार्ट्स होते हैं, फ्रेंच डार्ट्स होते हैं, बट आज के वीडियो को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं आपके साथ हूं। आप मुझे यहां पे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, जैसे कि मैसेज बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। तो स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 टाइप के डार्ट मेंशन है। एक तो आपका है सेंटर फ्रंट बस डार्ट और दूसरा है सेंटर शोल्डर डार्ट। अब ये डार्ट की स्टडी हमने किससे की है, मटेरियल क्या लगा है, ये तमाम डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हाउ टू कट फैब्रिक PMT बुक्स हैं, जिसमें डार्ट्स के पूरे डिटेल्स हैं। मैं इसी बुक से आपको स्टडी कराने वाली हूँ और अगर आप AAD के स्टूडेंट हैं तो आपके पास होगी। बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डार्ट के लिए जो बेसिक बॉडी है उसका लेंथ कितना लेना है और बेसिक बॉडी कटिंग करने के बाद कैसे हम डार्ट को प्लेस करेंगे। तो ये देखिए, ये प्लेसमेंट की जो डिटेलिंग है वो बुक के अंदर ही है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है कि सेंटर फ्रंट डार्ट्स कैसे लगाते हैं, क्या डिस्टेंस होता है, राइट, कैसे फ्रेंच डार्ट लगाते हैं, कैसे साइड फ्रेंच डार्ट लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, स्ट्रेट सेंटर डार्ट से ये जो मेंशन किया है मैंने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्ट्रेट डार्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस्ट पॉइंट कहाँ पे हो, डार्ट का जो प्लेसमेंट है वो कैसे राइट हो हर एक डार्ट का। तो यहाँ पे देखिए, हर डार्ट का प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे सीखना होगा कि कैसे राइट पोजीशन निकालें। तो आर्म होल से 2.5 अगर आप डाउन जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, वो है आपका सेंटर पॉइंट, जिसे एपेक्स पॉइंट भी कहते हैं। एपेक्स पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पे डार्ट की एग्जैक्ट प्लेसमेंट आती है चारों तरफ से, लाइक शोल्डर, नेक लाइन, आर्म होल, साइड, वेस्ट, सबसे सेंटर पॉइंट, इसे बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। आप काइंडली राइटिंग डाउन कीजिएगा, तभी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। सो ये मैंने ऑलरेडी बेसिक बॉडी पे तमाम तरीके के डार्ट्स कट कर लिए हैं, सेंटर फ्रंट डार्ट देखिए, उसके बाद हमने किया है फ्रेंच डार्ट, साइड पे कैसे किया, उसके बाद स्ट्रेट डार्ट, आर्म होल डार्ट, सेंटर शोल्डर डार्ट। ये डार्ट्स के नाम है, सेंटर शोल्डर डार्ट देखिए ये है। अब इसे कैसे बनाएंगे, ये आज अभी इसी क्लास में सीखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत बेनिफिट देगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही है, गुजारिश यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, जान सकें, समझ सकें और डार्ट प्लेसमेंट से नए नए डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। सो डार्ट प्लेसमेंट का जो मेन रोल होता है, डिज़ाइन क्रिएट करना, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाना एंड बेसिक जो होता है वो फिटिंग देना। बट इंडिया में सिर्फ फिटिंग की तरह डार्ट को लेते हैं, बट आज मैं कंप्लीट नॉलेज के साथ आपको सिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
हर दिन के अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का आईडी है आर्ट एंड डिजाइंस बाय मिराज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरा हर नया वीडियो राइट समय पर आपको मिल सके। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मटेरियल मैंने क्राफ्ट पेपर लिया है, ये हमारी बुक है, स्केल है, बुक डिटेलिंग है, मेजरमेंट है। अब आते मेजरमेंट पे, तो ब्राउन पेपर की कटिंग आप करेंगे, मेजरमेंट लेंगे बेसिक बॉडी का। तो बेसिक बॉडी का मेजरमेंट क्या है चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसी क्लास में, ठीक है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं फैशन डिजाइनिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं, जुलाई का बैच हमारा ओपन है। सो दोस्तों तैयार हो जाइए मेजरमेंट के लिए, नोट कॉपी और पेन लेकर। यहाँ पे हमने फुल लेंथ लिया है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, स्मॉल पैटर्न के लिए सेंटीमीटर लीजिएगा, 2.5 सेंटीमीटर शोल्डर है, 2.5 सेंटीमीटर आपका आर्म होल है, और आपका चेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 सेंटीमीटर। एंड देन 2 सेंटीमीटर डाउन जाके यहाँ पे मैंने लिया है वेस्ट, जो कि मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर। ये है आपका बेसिक बॉडी जो कि हम इस पे करेंगे डार्ट प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप बड़े पैटर्न में डार्ट सीखना चाहते हैं तो डार्ट प्लेसमेंट के बड़े पैटर्न की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो अगर बड़े पैटर्न में सीखना है तो आप ज़रूर वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और बड़े पैटर्न की तमाम डिटेल्स के साथ डार्ट प्लेसमेंट सीखिए। चलिए तो यहाँ पर मैंने दे दिया है आर्म होल के बाद नेकलाइन, नेकलाइन कंप्लीट कर होने के बाद इस तरह से मेजरमेंट आप लिख लीजिए ताकि आपको भी अच्छे से याद रहे और जब आप फाइलिंग करें तो आपको रिमाइंडर हो कि आपने किस तरह से किस मेजरमेंट के साथ डार्ट प्लेसमेंट सीखी है। दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो हमें वक्त मिलता है, टाइम मिलता है और जो वीडियो हमारे सामने आती है वो किसी न किसी वजह से आती है, तो उसे ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। दोस्तों अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, तो हमारे जितने भी चैनल्स हैं सारे चैनल्स देखिए, सारे चैनल्स में अलग अलग वीडियो अपलोडेड है, जिसमें जूम क्लास की भी वीडियो है, लाइव क्लास की भी वीडियो है, ऐप की भी वीडियो है जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और हमारे साथ जुलाई बैच में ओपन हो रहा है हमारा 3 मंथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग एट होम, एंड ज्वेलरी डिज़ाइन की ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो गई है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनर तो ज्वाइन कीजिए आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज। चलिए अब पहले काटेंगे बेसिक बॉडी। बेसिक बॉडी बहुत बार मैंने आप लोगों को सिखाया है, अब यहाँ पर हमने सेम टू सेम आर्म होल से 2.5 सेंटीमीटर जो हमने डाउन लिया था वहाँ पे हम अप जाके 2 पॉइंट्स में यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग देंगे और बेसिक बॉडी कटिंग करेंगे। बेसिक बॉडी कटिंग करने के बाद ही आपको डार्ट प्लेसमेंट समझ में आएगा। तो द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले बेसिक बॉडी इस तरह से कट कर लें। अगर आप 10 टाइप्स के डार्ट सीख रहे हैं तो आपको 10 डिफरेंट बॉडी ब्लॉक के साथ बेसिक बॉडी एग्जैक्ट बनाना है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए अब पहले बेसिक में बॉडी में हम यहाँ पे कट कर रहे हैं चेस्ट सेंटर फ्रंट डार्ट, और सेंटर फ्रंट डार्ट के बाद हम बनाएंगे फ्रेंच डार्ट जो कि प्लस होगा आपका चेस्ट डार्ट पे। देखिए मैंने एक बार डार्ट कट किया और से फ्रेंच डार्ट्स के लाइन पे कट दिया और उसके बाद प्लेस किया। इसी तरह से सारे प्लेस होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे मैं काट रही हूँ स्ट्रेट डार्ट को प्लेस करूँगी, ये वेस्ट डार्ट पे प्लेस हुआ और फ्रेंच डार्ट प्लेस हुआ। अब ये देखिए स्ट्रेट डार्ट आपको मिल गया। इसी तरह से हर डार्ट्स को स्लैश के साथ प्लेस करना है, और बहुत ज़रूरी है कि आपको सेंटर फ्रंट बस्ट डार्ट की कटिंग हो। इसी तरह से प्लेस होते जाएंगे तमाम डार्ट्स, डाउन आते जाएंगे, प्लेस होते जाएंगे, और डार्ट प्लेस में इनको बहुत ही मेहनत के साथ सीखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारें, एक बार नहीं 10 बार देखें कि कैसे सारा मैम ने प्लेसमेंट दिया है। अभी देखिए इस तरह से मैं पेपर पर रखूँगी और यहाँ पर टेप चिपकाऊँगी। तो पहला मेरा डार्ट रेडी हुआ था सेंटर फ्रंट डार्ट्स, दूसरा डार्ट है आपका ये देखिए
फ्रेंच डार्ट्स। अब इसको मैं इस तरह से कटिंग करके रिमूव करूंगी एक्स्ट्रा पेपर। ध्यान रखिएगा, जब भी डार्ट सीखना है आपको तो आपको करना होगा एक्स्ट्रा पेपर अटैच, ठीक है। इसी तरह से ये डार्ट्स लगते हैं। पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बहुत जरूरी है। शेप आप देख रहे हैं किस तरह से वेस्ट पे राउंड शेप आया है, साइड शेप आया है, नेक पे आया है, द वेरी इंपॉर्टेंट। आज समझ लीजिए हिंदुस्तान में बहुत कम चैनल्स हैं जो डार्ट पे, मेरे ख्याल से इतना डिटेल पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया। आगे जाके अगर वो इंस्पायर होके बनाया तो दैट इज़ डिफरेंट, बट अगर आपको डिटेल्स में कुछ भी सीखना है तो आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज इज़ अ बेस्ट प्लेस। यू कैन लर्न एवरी थिंग्स, डिज़ाइनिंग ड्राफ्ट, पेंटिंग क्राफ्ट, ज्वेलरी डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन। तो इस तरह से देखिए मैंने बना लिया है बातों बातों में फ्रेंच डार्ट्स, ठीक है। अब डार्ट्स की मैं डिटेलिंग देके आपको एक एक करके समझाते जाऊंगी। तो अभी तक अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। फिर से मैं आपको लाइव आके बड़े पैटर्न में सिखाऊंगी कि कैसे मैंने एक एक डार्ट को कंप्लीट किया है स्लैश के साथ। अभी आपने आज की वीडियो पे सीखा सेंटर फ्रंट डार्ट एंड देन फ्रेंच डार्ट्स एंड देन साइड स्ट्रेट डार्ट। इसी तरह से आपको मिड आर्म होल, उसके बाद मिड शोल्डर, नेक लाइन, उसके बाद आपको सीखना है सेंटर फ्रंट साइड डार्ट। ये तमाम जो डार्ट्स हैं इसी तरह से स्लैश के साथ सीख सकते हो आप। बहुत ज़रूरी है ये टेक्निक से, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीख लिया यकीन मानिए आप बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों आने वाले दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करूँगी। सो मेनी वर्क, सो मेनी प्रोजेक्ट अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं लखनऊ आ रही हूँ, तो जितने भी मेरे लखनऊ और यूपी बिहार के सब्सक्राइबर एंड स्टूडेंट है बी रेडी बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। मैं आ रही हूँ 23 जुलाई को लखनऊ आपके शहर शोकेस करने एंड अवार्ड नाइट अटेन करने। तो जिसको भी मिलना है आप मुझसे ज़रूर मिलिए। मेरे आने का बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं लखनऊ आके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मिलेंगे नए वेरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मैंने अभी अभी अपलोड किया है अपने आर्ट ऑफ इंडिया चैनल पे ट्राइबल आर्ट पेंटिंग की एक ब्यूटीफुल वीडियो, जहाँ जाके आप सीख सकते हैं और वो पेंटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आउटफिट पे, अपने कुशंस कवर पे, सोफ़ा कवर पे। तो पेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर यकीनन आप सीखिए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड ही क्रिएटिव का है, हर दिन सीखने का है, नया सीखने का है, फैशन हर दिन अपडेट होता है। तो फिर दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप हाउसवाइफ हो, आप ओल्ड हो, आप यंग हो, आप बॉय हो, आप गर्ल्स हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप घर पर हो, आप बहुत अच्छे से बहुत आराम से घर पर ही रह के ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं विद आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, डू प्रैक्टिस।